दोस्तों, भीष्म पितामह की 11 बातें गांठ बांध ली तो समझो सफलता कदम चूमेगी। दोस्तों, 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया था और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस युद्ध योद्धा में शरसैया का शयन किया। उनके शरसैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। वहीं उन्होंने शरीर त्याग जब दिया था उससे पहले उन्होंने ऐसी 11 बातें बताई थी जिससे व्यक्ति पूरी तरह बदल सकता है। पहला, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भरा कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। दूसरा, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। वही त्याग की सफलता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख मिल जाता है। यानी आपको आपका सुख त्यागना पड़ेगा, तभी आप कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, सुख दो प्रकार के मनुष्य को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। यह पुरुष सुखी है जो मन को संवासना में रखता है और व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मुंह में नहीं फंसता, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। चौथा, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ अपने आप निश्चित करता है और दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, यानी दूसरों के अनुसार नहीं चलता, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है और आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। इसलिए हमें आलस को भी त्यागना चाहिए। पांचवा, सनातन काल में जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख जिए जाते हो, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। छठा, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र में नदी ने कहा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा सा बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी सी घास कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ले जा पाती। तभी नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेले अपने आप झुक जाती है, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उड़ाकर बहाकर ले जाता है। अतः आप भी विपरीत परिस्थिति हो तो प्राणी को झुककर उसे सहना चाहिए। सातवां, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है, मृत्यु का पहाड़ उस पर हो सकता है। जिस दिन जाता है रात बीतती है, तुम जागते क्यों हो? अब भी उठो, समय व्यर्थ ना जाने दो और अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि तुम्हें मृत्यु घसीट कर ले जाए। आठवां, भोजन अकेले ना खाए। धन कमाने का विचार करे तो किसी को साथ मिला ले, यात्रा भी अकेले ना करे। जहाँ सब सोए हुए हैं वहाँ अकेला जागरण ना करे। नवा, श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वान का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान में उपदेश को सुनता है, क्योंकि जो सुनता है उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। दसवां, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतत नहीं करता, वह अपने रंग रूप, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचता रहता है उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। वहीं ग्यारहवां, सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य सर्व को जाता है,
झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न हुए हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है तथा जीवन में हमेशा सत्य बोले, किसी से डरे नहीं कि कोई क्या कहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।